अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू फैक्ट्स एक्सप्रेस। दोस्तों मोटापा अब एक बीमारी समझा जाता है और बहुत से लोग आज भी इस बीमारी का शिकार हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूं जो दुनिया का सबसे वजनी इंसान माना जाता था। दोस्तों इस आदमी का नाम पॉल जोनाथन मैसन है और ये आदमी 1960 में इंग्लैंड की एक स्टेट इप्सविच में पैदा हुआ। पॉल दोस्तों बचपन से मोटा नहीं था, लेकिन जब 20 साल का हुआ तो इसको डिप्रेशन रहने लगा और इसी वजह से ये ज्यादा मिकदार में खाना खाता गया और देखते ही देखते इसका वजन बढ़ना शुरू हो गया। जब इसका वजन बढ़ना शुरू हो गया तो इसने कोशिश करी कि इसका वजन कम हो जाए, लेकिन इसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं और ये फिर अपनी पुरानी रविश पे आ गया और दोबारा खाना खाना शुरू हो गया और इसका वजन तेजी से बढ़ने लगा। दोस्तों पॉल मेसन ने कई बार नेशनल हेल्थ सर्विस को अपनी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के लिए दरखास्त भेजी थी, लेकिन इसकी दरखास्त हर बार रिजेक्ट हो जाती थी। लेकिन यह आदमी फिर भी बार बार अपनी दरखास्त इस इदारे को भेजता गया और फिर इसकी दरखास्त मंजूर हो गई। लेकिन दोस्तों आप ये बात जान के हैरान होंगे, इसकी दरखास्त मंजूर होने में 10 साल लग चुके थे और यह आदमी हद से ज्यादा वजनी हो चुका था। पॉल का वजन 444 किलोग्राम हो चुका था और अब इस आदमी से सही से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था और ये बहुत मुश्किल में था। दोस्तों 2010 में जब इसने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवाई तो उस वक्त पॉल का वजन कम हो चुका था और उस वक्त कहा यह जाता है पॉल का वजन 444 किलो से 295 किलो पे आ चुका था। 2014 में पॉल की फिर से सर्जरी हुई और उस वक्त इसका वजन और कम हो चुका था। इसने 140 किलो अपना वजन कम किया और ये अब 155 किलो का हो चुका था। वजन कम होने की वजह से इसकी स्किन ढीली पड़ चुकी थी, उसके लिए इसने न्यूयॉर्क के एक अस्पताल यूनिक्स हिल में अपनी सर्जरी कराई और ये अब 120 किलो का हो गया था। ये अपनी जिंदगी में वापस आ रहा था और इसको देख के लोग काफी खुश हो रहे थे। लेकिन 2017 में एक बड़ा अजीब वाकया हुआ जब पॉल की गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के चली गई और ये इस सदमे की वजह से डिप्रेशन में आ गया और इस आदमी ने दोबारा पहले की तरह खाना खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इसका वजन बढ़ने लगा और फिर 2019 में इंकशाफ हुआ कि पॉल का वजन अब 230 किलो हो चुका है। ये वही आदमी था जिसका कुछ अरसे पहले तक वजन 120 किलो हो चुका था। पॉल इन दिनों अमेरिका में रह रहा था, लेकिन जब बर्तानिया में इसकी इस खबर का पता चला तो नेशनल हेल्थ सर्विस जिस इदारे ने इसकी सबसे पहले सर्जरी करी थी उन्होंने वापस पॉल को बर्तानिया बुलाया। दोस्तों पॉल ने ये बताया कि असल में इसकी वजन बढ़ने की वजह इसका डिप्रेशन है। जब ये आदमी डिप्रेशन में होता है तो ये बेतहाशा खाने लगता है। इसका ये कहना था कि छोटी उम्र में ही लोगों ने इसके साथ रवैया अच्छा नहीं रखा, जिसकी वजह से इसको डिप्रेशन रहता था। पॉल ने ये भी बताया कि जब 2020 में कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ था, उस वक्त लॉकडाउन में इस आदमी का 20 पाउंड वजन बढ़ चुका था और अब 2021 में इसकी डिप्रेशन की थेरेपी चल रही थी, लेकिन इसने उसकी ओवरडोज ली और ये आदमी उस वक्त बेहोश हो गया। जब ये आदमी बेहोश हुआ तो इसको पैरामेडिक स्टाफ ने इसके घर से बाहर निकाला। इसका ये कहना था कि डिप्रेशन की वजह से बहुत अकेला हो गया है और कोई भी इसकी बात नहीं सुनता और ये लोगों से मदद मांगता है लेकिन कोई इसके पास भी नहीं आता। तो एक इंटरव्यू में पॉल ने ये भी बताया कि अगर आपको अपना वजन कम करना है तो आप सबसे पहले अपने आप को दिमाग से स्ट्रॉन्ग करें। उसका कहना था कि मैं चाहूं तो दोबारा सर्जरी करके अपने पूरे बॉडी से चर्बी निकलवा सकता हूं, लेकिन इसका दिमाग फिर खाने पे जाता है और फिर वो दोबारा मोटा हो जाता है। इसका ये कहना था कि हमें सबसे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहिए। लोग सर्जरीज पे पैसे खर्च करते हैं और फिटनेस पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे और वही पैसे अपने थेरेपीज में लगाएंगे और आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग होगा
होगा तो आप अपने गोल को आराम से अचीव कर सकते हैं। दोस्तों पॉल मेसन ने ये बात भी बताई कि 2008 में इसकी थेरेपी होना स्टार्ट हो गई थी अमेरिका में, लेकिन ये आदमी उस थेरेपी को छोड़ के आ गया। इसका कहना था उस टाइम इसका वो फैसला बहुत गलत था। इसका ये भी कहना था कि जो लोग डिप्रेशन के लिए दवाइयां इस्तेमाल करते हैं वो कुछ ही दिन काम आती हैं। जब तक आप अपने दिमाग से खुद नहीं निपटेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों पॉल अब फ्लेम आउट शेल्टर्ड हाउसिंग में रह रहा है और इस पे 24 घंटे पैरामेडिकल स्टाफ निगरानी करता है और इसका चेकअप भी चल रहा है। इसका ये कहना है कि ये अब पॉजिटिव रहता है और ज्यादा से ज्यादा खुश रहता है। ये अब आदमी मायूस नहीं होता और पॉल ने अब अपना दोबारा वजन कम करना भी शुरू कर दिया है। इसकी कहानी पूरे इंग्लैंड में काफी मशहूर हुई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। शुक्रिया।